वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनदर कॉल। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे। तो गाइस अभी सुबह का टाइम है और आज मेरा पेपर है, मैं कॉलेज पेपर देने जा रही हूँ, सारिया बच्चों को पढ़ा रही है। तो 9:30 तक मेरा पेपर स्टार्ट होना है, 9 बजे मैं निकल जाऊँगी। तो अभी मैं तैयार हो गई हूँ, बस गोन पहनने वाला रह गया, गोन पहनती हूँ और हिजाब वगैरह करती हूँ, फिर थोड़ा सा पढ़ती हूँ। मैं तैयार हो चुकी हूँ, रिक्शे वाला भी आ गया है, तो अभी निकलते हैं और देखते हैं आज का पेपर कैसा होता है। अब तैयारी तो की थोड़ी बहुत, लेकिन पता नहीं अब कैसा होता है। अभी आके आप लोगों से फिर मिलती हूँ। तो गाइस मैं कॉलेज से आ चुकी हूँ और पेपर अच्छा हो गया था, तो घर पे आई हूँ। मेरी माँ ने ये देखी, इधर बैठी हुई है दुआ। दुआ कैसी हो, गूंगी हो? मैं ठीक हूँ। और ये मेहंदियाँ देखे आते लगवा रही है, और इसकी मम्मा आपी के साथ कहीं जाना था, उधर गए हुए हैं, तो घर पे सादिया और ये और अम्मी जी भाई को गए हुए हैं शायद किस काम से। और इसको मेहंदी लगाने की आती पड़ गई थी, हैं मेहंदी लगानी थी। मेहंदी तुम्हें पसंद है? कितनी पसंद है? अच्छी लगती है मेहंदी? हर बात पे सारा लाती हो, हाँ जी बोलते हैं। तुम्हारी एलर्जी हुई है फेस पे? अच्छी लगी है मेहंदी आके दिखाओ, किसने लगाई है? इसने, इसका नाम क्या? आप इसादिया, क्या पिसादिया? इसने लगाई है। तो गाइस अभी मैं कॉन्शन उतारती हूँ, पानी शानी पीते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं क्या करना है। मेहमान भी आए हैं, इनके लिए भी खाना भी मुझे लगता है मुझे ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि मुझको एक गल बताती हो। तो गाइस अभी मैंने गोंच वन उतार दिया, पानी शानी भी पी लिया, फ्रेश हो गए हैं। तो ये दुआ दूसरे हाथ पे सादिया से मेहंदी लगवाने लगी है, लगता है इसको बहुत ज़्यादा मेहंदी पसंद है ना। तो अभी हमारी गैस आने में टाइम है, अभी 11:30 हुए हैं, तो हमारी गैस तकरीबन आती होती है 12 बजे। तो फिर ही कुछ बनाना होगा मेहमानों के लिए दोपहर का खाना, क्योंकि गैस का वेट करना पड़ता है। वैसे भी ये कब के आए हुए सादिया? तो ये अब दोपहर का खाना ही खाएंगे, तो फिर तब बना लेंगे। बच्चों को कितने बजे छुट्टी थी तुम्हें? 10:30 जब ये लोग 8 बजे पढ़ रहे थे। ये देखिए मेरे मोबाइल की तरफ कैसे देख रही है, जिन लग रही हो जिन। बाल नहीं कंगी की हैं? कहती हाँ। गाइस हर बात पे सर लाई जा रही है, मैं कहा जिन लग रही हो, कहती हाँ। ये वही वाला, हाँ जी। 1 घंटे का होता है, फिर भी अच्छा हो गया। तो गाइज मैं अपनी देर नोट्स बनाने लगी थी, जो मेरा कल पेपर है, क्योंकि मैंने उसके नोट्स बनाए नहीं थी अभी, तो मुझे याद ही नहीं था कि मेरे पास तो नोट्स भी नहीं है। थोड़े से बनाए थे, थोड़े से भी रहते थे, तो अभी हमारा नेट बंद हो चुका, पता नहीं क्या मसला हो गया। वैसे भी गैस आ गई, अभी खाना शाना बनाते हैं। और दोबारा होने लगी थी, अपनी मम्मा को याद कर रही थी, फिर मैंने इसको कार्टून लगा के दिया लैपटॉप पे, लेकिन अभी नेट ही बंद हो गया, तो आराम से अब लेट गई। अब नहीं रो रही है ना दुआ? अभी नहीं रोना ना तुमने? नहीं दुआ अभी भी थी यार, इसको मम्मा की याद आ रही थी, मम्मा की याद आ रही थी, फिर अब आराम से बैठ गई थी। अभी भी अब चुप्पी है, अभी नेट आएगा फिर कार्टून लगा देने, ठीक है ना? खुश हो? मेहंदी का कलर दिखाओ कितना आया है, अच्छा है। चले गाइस अभी खाना शाना बनाते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को साथ साथ क्या बनाना है आज। चले गाइस अभी मैं खाना बनाने जा रही हूँ, लैपटॉप को बंद कर देती हूँ, क्योंकि नेट आएगा फिर मैं इसको चला के दे दूँगी। तो फिलहाल इसको बंद कर देते हैं और किचन में जाते हैं काम करने। कितनी कैंडीज लेनी है? तो गाइस मैं किचन में आ चुकी हूँ और मेरी अम्मा ने मसाले में पानी देखे कितना ऐड कर दिया। अभी चिकन धोते हैं और अपना काम शुरू करते हैं, क्योंकि आपी तो गई हुई है फिरने, और वैसे भी होती भी तो फिर भी उसने कुछ नहीं बनाना था, क्योंकि मैंने बनाना था। अब मुझे साइड पे हूँ, मैंने सालन बना लिया है ऑलमोस्ट, और मैं हर बार नए तरीके से बनाती हूँ, इस बार मैंने अलग तरीके से बनाया था। तो अभी गोश्त वगैरह भून रहा है मेरा, और इसमें मैं फिर पानी थोड़ा सा ऐड करूंगी। तो मैंने इस आज मैंने कहा कि लजीजा खीर बना लेती हूँ, क्योंकि टाइम बहुत कम है और फिर गैस हमारी चले जाती है, तो इसलिए मैंने सोचा कि मीठे में ये खीर ही बना लेती हूँ, क्योंकि अभी घर पे भाई लोग नहीं है, फिर आइसक्रीम मंगवाना मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए खीर बना।
बना लेते हैं, वैसे भी खीर भी मजे की बन जाती है। तो अभी सालन तैयार हो जाता है, तो उसके बाद हम लोग खीर बना के फिर रोटियां भी बनानी है। अभी तो टाइम पता नहीं क्या हो गया। तो गाइस सालन को मैंने हल्का सा पानी लगा के दूसरे चूल्हे पे रख दिया है होने के लिए, और इधर मैंने खीर रख ली है। खीर बनाने के लिए मैंने दूध सॉस पैन में डाली है, तो अभी इसमें शुगर ऐड करते हैं। डब्बे में शुगर कम है, इसको डालते हैं बाल्टी में से निकाल के। मैंने इसमें डाल दी है और थोड़ी देर ये दूध होता है तो बॉयल होता है, फिर उसके बाद मैं इसमें खीर ऐड करती हूँ। ये डब्बा पाउडर की क्या दिया, पाउडर ऐड करती हूँ, फिर इसको मिक्स करते हैं और बनाते हैं, देखते हैं कैसे बनती है। ये मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई करने लगी हूँ, क्योंकि हम लोग दूसरी खीर बनाते हैं जो चावल लाल के बनती है, तो आज मैंने कहा कि इसको भी ट्राई करते हैं। वैसे भी टाइम कम है और दूसरा ये ट्राई भी हो जाएगी कि कैसी बनती है, तो अभी देखते हैं कैसी बनती है। ये चुका है और ये गलती मुझसे हो गई, तो मुझे लगता है कि इसमें चीनी ऐड है और मैंने दूध में भी चीनी डाल दी है। अब देखते हैं हमारे साथ क्या होता है, यहाँ तो बुरा होता है यहाँ तो अच्छा होता है, कुछ तो होगा। अब मैं कहती हूँ कि दूध में और पानी ऐड करूँ, बल्कि फीका दूध पड़ा है वो इसमें ऐड करती हूँ, मीठा निकालती हूँ, अब कुछ करती हूँ पहले दूध का। इसमें दूसरा दूध ऐड किया है और इसमें से ना मीठे वाला दूध निकाल लिया है साइड पे, जो फीका पड़ा हुआ था फ्रिज में बगैर चीनी के, तो वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अभी इसको थोड़ा सा बॉयल आता है तो फिर मैं इसमें ये वाला पैकेट ऐड कर देती हूँ, फिर देखते हैं कैसी बनती है। मेरी तैयार हो चुकी है और अभी इसको थोड़ी देर ठंडा करते हैं, फिर इसको मैं फ्रिज में डाल के रख देती हूँ, तो अभी रोटियां बना लेती हूँ। मैंने दूध रख दिया है क्योंकि फिर हमारी गैस चली जाती है, पिछली बार भी तकरीबन आई थिंक चली गई थी, तो अभी मैंने कहा चाय अभी बना लेती हूँ, गैस हुई तो गर्म कर देंगे, नहीं तो फिर मोस में डाल देते हैं बना के इसको। ऐसे भी हम लोग भी खाना खाने के बाद हो चुके हैं फारग, और बर्तन वगैरह आज फातिमा धो रही है, आपो भी धो रही है, आज तो कृष्णा हो गया आपो भी धो रही है, तो आज फातिमा धो रही है, तो अभी मैं नमाज वगैरह तो गाइस अभी मैं जोर की नमाज अदा करती हूँ क्योंकि नमाज लेट हो रही है, करते हैं हाँ डेली है लगातार है। अभी खास दिखाने वाली है जो आपने वेट करना है, मैं आपको दिखाऊंगा खास क्या होगा। हाँ गाइस नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ खास दिखाएंगे, खास नहीं खास दिखाएंगे। आप लोगों ने मेरे साथ ही रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।